हेलो स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज द नॉलेज विच इज रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश यस आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में ये दो टॉपिक बहुत ही ग्रेट इम्पॉर्टेंस रखते हैं बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं आपके लिए क्योंकि ये हमें स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करते हैं तो टॉपिक क्या है द यूज ऑफ कॉन्ट हैल प्लस जीरेंट या कैन नॉट हैल प्लस जीरेंट कैन नॉट हैल प्लस जीरेंट का यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में इसी टाइप से कुड नॉट हैल प्लस जीरेंट का यूज स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ कैन नॉट हैल प्लस जीरन एंड द यूज ऑफ कुड नॉट हैल प्लस जीरन वोट

Cannot help को हम can't help भी बोल सकते हैं, बट यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब आप जानते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग हमने जो आई एन जी लगा के वर्ब बनाई वो वर्ब जीर तब कहलाती है जब उसका यूज नाउन की तरह या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह उसका यूज हो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह उसका यूज हो या वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो इफ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज As the subject of the verb, and if fourth form of verb is used as the object of the verb, then fourth form of verb is called Jirand. So girand aap For example, swimming is a good exercise. Yeah, I like swimming. So swimming is a good exercise. Is sentence me swimming verb ka subject. है. And I like swimming. I like swimming me swimming. वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब के सब्जेक्ट और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वहां पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जीरंट बन जाती है और वो जीरंट की तरह काम करती है तो मैं आपको कैन नॉट हेल्प प्लस जीरंट का यूज बताने जा रहा हूं तो देखिए कोई किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता जब हम ये बात बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता या कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह सकेगा तब हम कैन नॉट हेल्प प्लस जीरेंट का यूज करते हैं जैसे मैंने बोला मैं हंसे बिना नहीं रह सकता तो मैं बोलूंगा आई कांट हेल्प लाफिंग आई कांट हेल्प लाफिंग मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता तो आई कांट हेल्प गोइंग देयर इस तरीके से तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह पाएगा या नहीं रह सकेगा तब हम हेल्प प्लस जीरंट अब आप एक चीज और ध्यान रखना इसका हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कांट हेल्प कैन नॉट को शॉर्ट में कांट और हेल्प हेल्प है कांट हेल्प बोल सकते हैं लेकिन हम इन अमेरिकन प्रोनाशिएशन इसको बोल सकते हैं कैंट हेल्प कैंट हेल्प कैंट हेल्प कैंट हेल्प प्लस जीरेंट इस तरीके से भी बोल सकते हैं या आप पूरा बोल सकते हो फुल फॉर्म में कि कैन नॉट हेल्प प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जीरंट इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता या कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह सकेगा या कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह सकेगी या तुम किसी काम को किए बिना नहीं रह सकोगे या वह किसी काम को किए बिना नहीं रह सकेगी या मैं किसी काम को किए बिना नहीं रह सकूँगा या नहीं रह सकता जब इन सब बातों का यूज हमें करना हो सेंटेंस में तो हम कान प्लस जीरंट यानी कैंट हेल प्लस जीरंट का यूज करते हैं तो देखिए यहां पे सकता सकेगा इस तरीके से तो है ही अब आप पाएगा भी बोल सकते जैसे वह हंसे बिना नहीं रह पाएगा वह हंसे बिना नहीं रह पाएगा वह वहां जाए बिना नहीं रह पाएगा वह उससे मिले बिना नहीं रह पाएगा इस तरीके से भी बोल सकते हो भाव सेम है बस बोलने का स्टाइल चेंज हो गया है तब भी आपको इसी तरीके से यूज करना है तो यहां पे अब मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा ये जो सेंटेंस होते हैं कि हम किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते तो ये कैन नॉट हेल्प प्लस जीरेंट आपका दो चीजों को एक्सप्रेस करता है एक प्रेजेंट को और एक फ्यूचर को कि आप किसी काम को किए बिना नहीं रह सकोगे तो ये फ्यूचर हो गया या फिर आप किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते तो इस तरीके से ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है तो इससे दोनों भाव प्रकट हो जाते हैं प्रेजेंट भी और लगभग फ्यूचर भी अब कुछ एग्जाम्पल है एग्जाम्पल यानी ये कैन नॉट हेल्प प्लस जीरेंट हमको क्या बताता है ये बताता है कि सम वन कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग समथिंग सम वन कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग समथिंग कोई कुछ किए बिना नहीं रह सकता यानी कोई व्यक्ति किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता ऐसा भाव कैन नॉट हेल्प प्लस जीडन से एक्सप्रेस होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए जैसे देखिए आई कैंट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट आई कॉन्ट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट आई कॉन्ट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट मैं इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता आई कॉन्ट हेल्प शॉपिंग सो मच मैं बहुत अधिक शॉपिंग किए बिना नहीं रह सकता आई कॉन्ट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम मैं सारे दिन या मैं सारे समय या मैं हर समय काम किए बिना नहीं रह सकता आई can't हेल्प स्माइलिंग when आई सी हर जब मैं उसे देखता हूं तो मैं हंसे बिना नहीं रह सकता या मैं जब मैं उसे देखता हूं तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता आई can't हेल्प eating सो so मच मैं बहुत अधिक खाए बिना नहीं रह सकता यानी थोड़ा खाने से मेरा काम नहीं चलता मैं जब भी खाता हूं तो ज्यादा खाता हूं इस तरीके का ये यहाँ पे भाव निकल रहा है आई कांट हेल्प लविंग हर मैं उसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता या मैं उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता आई कांट हेल्प एक्सेप्टिंग चैलेंजेस मैं चुनौतियों को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कांट हेल्प बाइटिंग माई नर्वस जब मैं नर्वस होता हूं तो मैं अपने नाखूनों को चबाए बिना नहीं रह सकता सो बैड so मैं बहुत बुरा अनुभव किए बिना नहीं रह सकता आई कांट हेल्प गोइंग देयर मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता आई कांट हेल्प टेकिंग टी इन द मॉर्निंग मैं सुबह चाय पिए बिना नहीं रह सकता मैं सुबह चाय पिए बिना नहीं रह सकता आई स्मोकिंग स्म आई मैंने शराब पी हुई होती है तो मैं स्मोकिंग किए बिना यानी सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता इस तरीके से आपने देखा कि जब कोई पर्सन किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता या जब कोई पर्सन किसी काम को किए बिना नहीं रह सकेगा या नहीं रह पाएगा तब आप कैन नॉट हेल्प प्लस जीरेंड यानी प्लस जीरेंड यानी करते हैं तो देखिए इसी बातों को आप ये भी बोल सकते हैं कि आई कॉन्ट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट मैं इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकूंगा आई कॉन्ट हेल्प शॉपिंग सो मच मैं बहुत अधिक शॉपिंग किए बिना नहीं रह पाऊंगा I can't help working all the time. मैं हर समय कार्य किए बिना नहीं रह सकूंगा I I can't help smiling when I see her। जब मैं उसे देख जब मैं उसे देखता हूं या जब मैं उसे देखूंगा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकूंगा इस तरीके से भी आप इन इनके अर्थ निकलते हैं कैन नॉट हेल्प प्लस जीर देखिए आपका कुड नॉट हेल्प प्लस जीरेंट यानी कुडंट हेल्प जीरेंट का यूज बताने जा रहा हूं कुडंट हेल्प जीर पास की एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करता है कुडंट हेल्प प्लस जीरेंट पास्ट की एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करता है यानी जब पास्ट में कोई व्यक्ति कुछ किए बिना नहीं रह सकता था या पास्ट में कोई व्यक्ति कुछ किए बिना नहीं रह सका तो उस कंडीशन में हम कुड नॉट हेल्प प्लस जीरंट का यूज करते हैं तो देखिए कोई किसी काम को किए बिना नहीं रह सकता था या कोई किसी काम को किए बिना नहीं रह सकती थी या कोई किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते थे या रह सका या रह सकी या रह सके जब ऐसे भाव प्रकट करना हो हमें पास्ट के तब हम कुड नॉट हेल्प प्लस जीरेंट का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका जो इंग्लिश में इस तरीके को आप समझाओगे तो आप बोल सकते हो कि वेन सम वन कुड नॉट लिव विदाउट डूइंग समथिंग देन वी यूज कुड नॉट हेल्प प्लस जीरेंट जब एक व्यक्ति किसी कार्य को किए बिना नहीं रह सकता था या नहीं रह सका तो ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए आप कुड नॉट हेल्प प्लस जीरेंट का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस पिक्चर या आई couldn't हेल्प शेयरिंग दिस पिक्चर कि मैं इस पिक्चर को शेयर किए बिना नहीं रह सका मैं इस पिक्चर को शेयर किए बिना नहीं रह सका आई कुड नॉट हेल्प सीइंग हर मैं उससे मिले बिना नहीं रह सका या मैं उससे देखे बिना नहीं रह सका आई her. जब मैंने उसे देखा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका सी कुडंट हेल्प गोइंग टू टेम्पल ऑन फ्राइडेज वह शुक्रवार को मंदिर जाए बिना नहीं रह सकती थी They couldn't help प्लेइंग क्रिकेट वे क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते थे किम couldn't help स्पीकिंग इंग्लिश किम कुडंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश किम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकती थी असमत कुडंट हेल्प स्माइलिंग वेन सी सॉ मी असमत जब मुझे देखती थी तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती थी I couldn't help reading my books. मैं अपनी बुक्स पढ़े बिना नहीं रह सकता था नीतू मुझे धोखा दिए बिना नहीं रह सकी माई बेबी कुडंट हेल्प डूइंग मिस चीवस एक्टिविटीज मेरा बच्चा शरारत किए बिना नहीं रह सका इस तरीके से आपने देखा कि कुड नॉट हेल्प और कैन नॉट हेल्प कुड नॉट हेल्प के बाद जीरंड और कैन नॉट हेल्प के बाद जीरंड का यूज करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं तो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन एट द अर्एस्ट थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो